ना अंकिता ना, तो किसी सूरत में मुंबई नहीं आ रही है। पर क्यों? मैं भी तेरे साथ मेहनत करके दो पैसे कमा सकूंगी। मुझे पता है तेरे सर पर कितना बोझ है। चुप कर अंकिता, तुझे इस सब की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं सारा इंतजाम कर दूँगी, सारा खर्चा। सब मैं नहीं जानती, मुझे मेरे पैसे चाहिए बस। मैं आज ही आ रही हूँ। ये जो भी हो रहा है इसमें सच्चाई नहीं है, ये बस एक साया है। वो प्यार प्यार नहीं होता जो किसी को कुछ दे ना पाए, वो बस एक साये की तरह होता है जो पीछा करता रहता है। मैंने भरी बोरी देखी, मन में लालच आया, सोचा बंगार होगा तो बेचूंगा, ज्यादा पैसा मिलेगा, इसलिए मैं बोरी की तरफ बढ़ा। लाश है साहब। आदमी की है औरत की? औरत की। वो देखो साहब, मोड़े खोलो गटरी। जवान औरत की लाश पर पुलिस को कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं मिला। अब इस ब्लाइंड केस में पीड़ित की शिनाख्त करने में वक्त तो लगने ही वाला था, लेकिन लाश पर पुलिस को कुछ निशानियां मिली जो लाश के साथ साए की तरह पीछे पीछे आईं, और ये निशानियां पुलिस को उस दिशा में ले जाने वाली थी जहां इस कत्ल का खुलासा होने वाला था। गला घोटने से मौत हुई है। चेहरे पर खरोचों के निशान है। इसके और कत्ल के बीच झड़प हुई होगी। पूरी पॉसिबिलिटी है कि इसने फाइट बैक किया होगा। विक्रम की एज? 20 से 27 साल। मौत की टाइमिंग? 48 से 55 घंटे हुए होंगे। 48 से 55 घंटे यानी परसों, मतलब 12 जून को इसका कत्ल हुआ और उसके बाद इसको डंप कर दिया गया। डॉक्टर, सेक्सुअल असॉल्ट, रेप? सेक्सुअल असॉल्ट और रेप के तो कोई निशान नहीं लग रहे हैं इंस्पेक्टर, पर एक बात है, कत्ल के कुछ मिनटों पहले सेक्सुअल एक्टिविटी हुई होने की संभावना है। कपड़ों की कोई चीरफाड़ नहीं हुई थी, सेक्सुअल ऑर्गन पे कोई घाव या कट्स नहीं है, ब्लीडिंग नहीं हुई है, कमीज का जिपर इंटैक्ट था। इससे यही जाहिर होता है कि रेप की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। डॉक्टर, आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें कोई सुराग नहीं मिला। एक बहुत जरूरी बात है। क्या? विक्टिम 2 months प्रेग्नेंट थी। एक बात और है, पता नहीं आपको कितना हेल्प करेगी, कत्ल के दौरान इस लेडी ने कोई अंडरगारमेंट नहीं पहने थे।
लाश को मिले 3 दिन हो गए सर, अभी तक खाता नहीं खुला। सारी मिसिंग कंप्लेंट छानवाली? हाँ सर, कुलाबा से लेके विरार तक, सीएसटी से लेके कल्याण, करजत, कहीं से कुछ नहीं मिला सर। 20 से 27 साल की लड़की और 2 महीने की प्रेगनेंट। कत्ल के दौरान इस लेडी ने कोई अंडरगारमेंट नहीं पहना था। उसने पता नहीं ये बात हमारी कितने काम आएगी, पर डॉक्टर ने कहा था कि लड़की ने अंडरगारमेंट्स नहीं पहने। सर विक्टिम के करेक्टर पर मैं उंगली नहीं उठा, पर अक्सर मुंबई में प्रोस्टिट्यूट्स अंडरगारमेंट्स नहीं पहनते। I mean, आप समझ रहे हैं सर। चलो एक पॉसिबिलिटी तो मिली, उसने इसी दिशा में जांच शुरू कर दी। लाश ने अपने आप एक सुराग, एक निशानी दे दी थी और ये सुराग लाश की शिनाख्त में अहम साबित हुआ। साहब एक बायो डांसर है पहचान की, मालती। मैंने उसको डेड बॉडी की फोटो दिखाई, अरे मैंने तो ऐसी गुगली मार दी साहब और आपने विकेट आ गया। ये मालती बायो डांसर, क्या वो विक्टिम को जानती थी? नहीं साहब, वो उसको जानती तो नहीं थी, लेकिन मालती बोली कि उसने देखा है पहले उसे। मैं अक्षरा बार में वेट्रेस हूँ सर। इसे देखा कभी अक्षरा बार में? नहीं सर, मुलुन में होटल रेड प्लाजा है, वहां देखा। कभी बात नहीं हुई, नाम फोन नंबर कुछ? नहीं सर, हाय हेलो के आगे कुछ भी नहीं। कुछ और बता सकती हो, ये थी कौन? मेरे जैसी थी सर, साइड बिजनेस करने वाली, हर बार नए कस्टमर के साथ आती थी सर। भोसले, पहले ऐसा मैं लगा था कि शायद चांदनी प्रोस्टिट्यूशन में थी, लेकिन अब कंफर्म। एक काम करते हैं, होटल रेड प्लाजा के मैनेजर से बात। हाँ सर, इसे मैं जानता हूँ, यहाँ रेगुलर थी। नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर? सर, हर बार किसी ना किसी कस्टमर के साथ होती थी, इसीलिए कभी बात नहीं हुई और डिटेल्स भी नहीं पता। कस्टमर्स की डिटेल्स? सर डिटेल्स, हम रहे बोल। साहब दो लोग आए इधर, बोल रहे लड़की को पहचानते हैं। राजस्थान से हैं सर। लेकिन है कौन? रमन परमार और सावित्री परमार, उन्होंने लड़की का पोस्टर देखा था। रिश्तेदार हैं क्या? हम 40 से निकल ही रहे थे साहब, तब हमने वो तस्वीर देखी साहब। मन ये लगो है कि हमारी ही छोरी है चांदनी परमार। 9 जून को आखिरी बात हुई थी साहब चांदनी से। मैंने उसे बताया कि हम लोग मुंबई आ रहे हैं। जब यहाँ घर पहुँचे तो ताले लगे थे साहब, 3 दिनों से लगवाए ताले। हम तो हताश होकर अपने गांव जा रहे थे साहब, राजस्थान। तभी जो हमारी लुगाई है चांदनी की माई, इसकी नज़र उस तस्वीर पे पड़ी और फिर हम लोग यहाँ चले आए साहब। भोसले शराब करो। आपकी बेटी चांदनी को कभी से कुछ बताया आप लोगों से? माई भी आ रही है क्या बापू? हाँ हाँ, तेरी माई ही तो आने की जिद कर रही है। वैसे तू कैसी है? अच्छी हूँ, आप लोग आओगे तो कुछ दिन और अच्छी रहूंगी। अंकिता तू सब कुछ संभाल तो लेगी ना यहाँ अकेले? मैंने आप बच्ची ना समझो बापू, और आप और माई मारी फिक्र करना छोड़ दो। रे बावड़ी, तू बच्ची ना है तभी तो फिक्र करते हैं। कौन से गांव से हैं आप लोग? ललितपुर, राजस्थान।
आपकी बेटी है, मुंबई में क्या करती थी? नौकरी करती थी साहब। कैसी नौकरी? हम लोग बन जा रहे हैं साहब, 6 साल पहले हमारे गांव के कुछ लोगों के साथ चांदनी मुंबई आ गई थी, पैसे कमाने। मजबूरी थी साहब, हमारी तबीयत बहुत खराब थी, गरीबी के मारे घर में 2 वक्त की रोटी भी ना पक रही थी। रमन जी, आप हमें चांदनी का मोबाइल नंबर दीजिए। इस नंबर के सारे डिटेल मुझे तुरंत चाहिए, तुरंत मतलब अभी के अभी। सब चांदनी ने तो हमें कभी कुछ ना बताया कि उसे क्या तकलीफ थी, हमें ना है पता था। आपकी दूसरी बेटी अंकिता, उसे कुछ पता हो सकता है? पर क्यों, मैं भी तेरे साथ मेहनत करके 2 पैसे कमा सकूंगी। मन ने ना लगे सब कि चांदनी ने उसे भी कुछ बताया होगा। जब आपकी बेटी चांदनी मारी गई तब वो 2 महीने पेट से थी। रमन जी, सावित्री जी, जब तक हमारे हाथ कोई सुराग नहीं लग जाता तब तक आप लोग मुंबई में रहिए, और कल दोपहर तक आपकी बेटी चांदनी का शव आप लोगों को सौंप दिया जाएगा। ये केस अब एक ब्लाइंड केस नहीं रहा था। लाश चांदनी परमार नाम की एक 24 वर्षीय औरत की थी। चांदनी के गरीब माँ बाप राजस्थान में रहने वाले बंजारे थे, जो शायद ये नहीं जानते थे कि चांदनी इस व्यवसाय में थी, और ये भी नहीं जानते थे कि चांदनी 2 महीने प्रेग्नेंट थी। चांदनी रहस्य के बादलों में छुपी थी और ये बादल और घने होते गए। मरे, ताला तोड़ो। जी सर। नहीं सर, मैं किसी चांदनी परमार को नहीं जानता। लेकिन तुम्हारे फोन रिकॉर्ड तो कहते हैं कि तुम चांदनी को अच्छी तरह से जानते हो। कम से कम 20-21 बार फोन कॉल हुए हैं तुम्हारे और चांदनी के बीच। ये सर, ये तो प्रियंका है, और इससे पहले इसने कभी अपना नाम चांदनी परमार नहीं बताया। ये हमेशा अपने आप को प्रियंका बताती थी। और हाँ सर, इसके साथ कई बार मैं बैठा हूँ। अच्छा, चांदनी था उसका नाम? मैंने तो कभी पूछा नहीं, और वो मुझसे कभी बात भी नहीं करती थी। कोई तो होगा जिसे वो बात करती होगी। पता नहीं साहब, वैसे तो वो 6 साल से यहाँ रहती थी, पर अपने में खोई रहती थी, किसी से घुलती मिलती नहीं थी। घबरे सर, ये प्रियंका है, ये धंधा करती है। मैं खुद इसके साथ गया है 3-4 बार होटल रेड प्लाजा में। क्या, ये क्या कह रहे हो बापू? मन ने कुछ भी पता ना है अंकिता। 5 दिन पहले यहाँ की पुलिस को तुम्हारे बहन की लाश मिली है। पापू, दीदी ने तारे को कुछ बताया था क्या कि परेशानी थी उसको? ना ना उसने मन ने कुछ बताया, और ना ही तारी माई को। पूरे मोहल्ले में कोई भी इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। ये चांदनी और प्रियंका अपने आप में ही रहती थी। सर, मैंने फोन रिकॉर्ड में से कम दर्जन भर लोगों से बात की, सभी ने कबूल किया कि वो उसके कस्टमर थे। कुछ तो कर। 6 साल से चांदनी एक ही मोहल्ले में रहती थी, और वहां पर कोई भी उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। यहां तक कि उसके माँ बाप को भी भनक नहीं है कि वो क्या काम करती थी, किस हाल में थी, और 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसने काम किया, इसके सेलफोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी कॉन्टैक्ट सबको कॉल। सर, कोई तो होगा जो इस चांदनी को प्रियंका के राज पर से रजाई हटाकर हमें इसका असली चेहरा दिखाए। सर, उसका नाम प्रियंका है, मैं उसके साथ कई बार होटल गया हूँ। क्या हुआ सर? चांदनी और प्रियंका का मर्डर हुआ। मर्डर? तुम चांदनी को कैसे जानते हो? सर, पहली बार मैं उससे रानी बार में मिला था, वो वहीं पे काम करती थी। कहाँ पर रही रानी बार? भांडुप में सर। साहब, अब यहाँ कोई लड़की अपना असली नाम तो नहीं बताती?
चांदनी परमार शायद वो सिर्फ घर पे होती थी जब प्रियंका नाम का मेकअप उतारती। चांदनी परमार और प्रियंका का मर्डर हुआ है, अभी हमें इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं मालूम। इसके माँ बाप को भी नहीं मालूम कि ये किस तरह से पैसे कमाते हैं। अब हम इसके बारे में कुछ और बता सकते हैं? सर ये लाइसेंस बार है, यहाँ जो होता है सब लीगल तरीके से होता है। अब ड्यूटी के बाद लड़कियाँ कहाँ जाती हैं, किससे मिलती हैं, मैं नहीं जानता साहब, ये उनका निजी मामला है। 5 दिन पहले चांदनी परमार और प्रियंका का मर्डर हुआ, 5 दिन से वो काम पर नहीं आई। आपको खटका नहीं? खटका था ना साहब, साहब कम से कम 25 बार उसको फ़ोन किया लेकिन हर बार उसका फ़ोन स्विच ऑफ मिला। मेरे को लगा कि इधर दूसरी जगह उसने काम पकड़ा होगा। मैंने शालिनी को भी पूछा था साहब लेकिन उसको भी कोई आइडिया नहीं। शालिनी भी यही काम करती? हाँ साहब, शालिनी इधर ही काम करती, उसकी और प्रियंका की बहुत जमती थी। कहाँ मिलेगी ये शालिनी? शालिनी तुम्हारी दोस्त चांदनी और प्रियंका का मर्डर हुआ, कुछ बता सकती हो किसने क्या होगा? पता नहीं साहब। तुम दोनों दोस्त हैं? हाँ। तुम्हें पता था प्रियंका धंधा करती थी? धंधा तो मैं भी करती हूँ साहब, बाहर की नौकरी से सिर्फ जेब खर्च के पैसे आते हैं, घर भेजने लायक पैसे तो धंधे से ही आते हैं। प्रियंका का कोई इश्क-विश्क का चक्कर, कोई बॉयफ्रेंड वगैरह? पता नहीं साहब, प्रियंका एकदम बंद मुट्ठी थी, कभी भी कुछ नहीं बोलती थी अपनी जिंदगी के बारे में। बस एक दिन उसके मुंह से निकल गया था कि गांव में उसकी कोई छोटी बहन जिसकी शादी के लिए वो पैसे इकट्ठा कर रही है। शालिनी, प्रियंका 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। क्या साहब, ये बात तो उसने कभी भी नहीं बताई, लेकिन हाँ साहब, वो हमेशा उदास रहती थी, कभी किसी से कुछ भी नहीं कहती थी। पक्का उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं? कस्टमर तो कई थे, बॉयफ्रेंड था कि नहीं वो मालूम नहीं। छह साल पहले एक लड़की मुंबई आती है, प्रोस्टिट्यूशन में दाखिल होती है, राजस्थान में अपने गरीब माँ बाप को पैसे भेजती है, फिर उसका मर्डर हो जाता है, और वो भी तब जब वो 2 महीने की प्रेग्नेंट होती है। लेकिन किसी को उसके बारे में कुछ नहीं मालूम, यहां तक कि माँ बाप भी बिल्कुल अनजान है। इसके माँ बाप को जानते हो लेकिन हमें बताना नहीं चाहते। सर, ये रमन और सावित्री परमार चांदनी से मिलने मुंबई आए और उसी वक्त चांदनी का कत्ल हुआ जब चांदनी प्रेग्नेंट थी। केस में पुलिस के हाथ अब तक कोई लीड नहीं लगी थी। जब पुलिस ने अपनी जांच का दायरा चांदनी के गांव ललितपुर राजस्थान में पहुंचाया, तब उनके सामने आए कुछ और राज जो चांदनी के अतीत में घिरे थे। हुकुम, ये चांदनी पिछले 6 साल से मुंबई में थी, इसकी एक छोटी बहन है अंकिता, इसका लगन तय हो गया है। वेलजी, चांदनी के माँ बाप यहीं पर हैं और हमें सब कुछ बता चुके हैं, तुम हमें वो बताओ जो वो लोग नहीं जानते या हमें बताना नहीं चाहते। हुकुम, परमार के घर एक 2 साल की बच्ची है पर वो अंकिता की तो ना है। तो फिर किसकी है बिलजी? किसी को नहीं पता हुकुम। मन्ने ना पता साहब, वो बच्ची किसकी है? पिछले 2 साल से तुम दोनों और अंकिता मिलकर एक बच्चे की परवरिश कर रहे हैं और हमसे कहते हो कि तुम्हें ये नहीं मालूम वो बच्ची किसकी है। समझ? अब वक्त आ गया जो भी सच है हमें वो बताओ। कभी मत पूछना कि ये बच्ची है किसकी। पर यो क्या बात हुई,
बिना जाने पहचाने हम इसकी परवरिश कैसे करेंगे? क्योंकि मैं कह रही हूँ अपनी बच्ची जैसे संभालो इसे, और दोबारा कभी मत पूछना कि ये बच्ची है किसकी। तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास एक बच्ची छोड़कर जाती है परवरिश के लिए, और तुम उससे ये पूछते तक नहीं कि वो बच्ची किसकी है। समन परमार, तुमने ये कैसे सोच लिया कि हम तुम्हारी इस बात पर विश्वास कर लेंगे? किस मुंह से पूछता साहब? चांदनी से। बीमारी ने मन ने मजबूर कर दिया छोरी के कमाई पे जीने के लिए। बाप होने का हक ही खो दिया तो मैंने। 6 साल पहले चांदनी को मुंबई ही ना भेजना था साहब। आधी रोटी खाते भूखो मरते, लेकिन ये मुंबई तो हम सबको जीते जी मार गया साहब। बापू, गांव के दूसरे लोग भी जा रहे हैं मुंबई में, छोरियां भी है। मैं कुछ काम ढूंढ लूंगी, अच्छे पैसे कमा कर भेजूंगी बापू आपको। लेकिन छोरी, इतने बड़े शहर में तू अकेली वहाँ क्या काम करेगी? माई, कहते हैं मुंबई में सबके लिए काम होता है। नहीं चांदनी, तू कटे न जाएगी, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। बापू, 4 महीने से तो आप ठीक ना हुए हो, और होंगे कैसे ठीक? इलाज के लिए पैसे ही नहीं है हमारे पास। बापू, मैं अच्छे पैसे कमा कर भेजूंगी आपको। चांदनी, तन्ने अकेले भेजने को मेरा दिल नहीं मानता। बापू, अगर मेरी जगह थारा कोई बेटा होता तो आप भेज देना उसे। बापू, मैं अंकिता से बड़ी हूं, घर चलाने की जिम्मेदारी मेरी है। अब मान भी जाओ बापू, ए माय, समझाओ ना बापू को। बापू, बापू हाथ जोड़ती हूँ। हमारी तबीयत कभी ठीक ही ना हुई साहब। चांदनी पैसे कमा कमा कर भेजने लगी, हर महीने थोड़ा ज्यादा। कभी सोचा नहीं, कभी उसे पूछा नहीं कि वो ऐसा भी क्या काम करती है? शर्म से पानी पानी हो गए साहब जब पता चला। मतलब तुम जानते थे चांदनी क्या काम करती है? चांदनी, तेरे भेजे हुए पैसे बहुत काम आ रहे हैं हमारे। माई, बस तू बच्ची का ख्याल रख और बापू का इलाज कभी मत रोक। छोरी, शर्म से गर्दन झुकती है हमारी, थारे हाथ पीले करने के बजाय थारी कमाई पे जी रहे। माई, तू बस अंकिता के ब्याह का सोच, मेरा ब्याह तो अब होने से रहा। क्यों, ऐसा क्यों कह रही है? मुझसे अब कौन ब्याह करेगा माई? क्यों, क्या कमी है थारे में? पूछ मत माई, ये शहर है ही बड़ा खराब। खराब है तो तू वहां 1 साल से क्या कर रही है? पता है, थारी बहन अंकिता भी थारे पास आकर थारा हाथ बटाने की बात कर रही है। कभी नहीं माई, कभी नहीं। चांदनी, ओ चांदनी, तो वहां कोई गलत काम तो ना कर रही है ना? चांदनी, जवाब दे हमारी बात का। गलत तो सिर्फ पहले 2-4 बार लगा था, अब सही सिर्फ पैसा लगता है, बाकी कुछ सोचती तक नहीं। तो है चांदनी भाई, क्या हुआ तन्ने? चांदनी में इतनी ईमानदारी तो थी साहब कि उसने अपने माई को अपनी असलियत बताने की हिम्मत जुटाई, पर हमारी हिम्मत और हमारा ईमान दोनों को बीमारी मार गई साहब। कर मैं अंदर से चूर चूर हो गया था साहब, पर मैंने उसे रोका नहीं। हमारा स्वार्थ हमारे ऊपर हावी हो गया था साहब। वो घर चला रही थी, पैसे आने रुक जाते तुम्हारा क्या होता? आदत हो गई थी साहब उसके पैसों की, आदत हो गई थी। हम जानते थे साहब कि वो यहाँ क्या काम करती थी। हम यो भी जानते थे कि वो अंकिता को यहाँ
क्यों नहीं बुलाना चाहती थी? चांदनी ने जो बच्चा दिया था तुम्हें परवरिश करने के लिए, तुम सच में उस बच्चे के बारे में कुछ नहीं जानते? नहीं साहब। और उसके होने वाले बच्चे के बारे में? नहीं। 9 जून को बात हुई थी हमारी चांदनी से, उसने बताया कि अंकिता के ब्याह के सारे पैसे इकट्ठे हो गए हैं पर वो गांव ना आ सके हैं पहुंचाने को। तो तुम दोनों यहाँ पैसे लेने आए थे? हाँ साहब, पर सपने में भी ना सोचा था कि वो पेट से है या फिर उसका कत्ल होने वाला है। दुर्जन सबावत कौन है? ये वही है ना जिससे चांदनी की शादी तय हुई थी? हुकुम, परमार के घर से उस बच्ची के अलावा एक और काम की बात पता चली है। कैसी काम की बात है? 7 साल पहले इस चांदनी का लगन होने जा रहा था दुर्जन सभावत के साथ। वो शादी नहीं सगाई थी साहब। 1 साल चांदनी दुर्जन के घर रहकर वापस अपने बापू रमन के घर लौटी। सगाई के बाद चांदनी 1 साल दुर्जन के घर रही पर शादी नहीं हुई? हाँ हुकुम, शादी टूट गई। हाँ साहब, चांदनी की सगाई हुई तो थी दुर्जन स्वभावत के साथ, पर वो तो 7 साल पहले की बात है, उसे आज से क्या मतलब? रमन परमार, चांदनी का कत्ल हुआ है और कातिल को ढूंढने के लिए मैं 7 साल पहले तो 7 पीढ़ियां पीछे भी जा सकता हूँ। पर दुर्जन स्वभाव तो 1 साल बाद ही चांदनी की जिंदगी से चले गए थे। क्यों? सुन भाई कमलेश, सौदा 1.5 का पक्का हुआ था, उसमें मैं 1 फुट टिकोड़ी भी कम ना करूंगा। लेकिन रमन भाई, बात तो ठीक है थारी, और फिर हमने भी तो सामने से 50 दिए थे ना, अब हमारी ताकत ही नहीं है तो क्या करें? क्या करेगा क्या मतलब? ये तो सीधा सीधा धोखा है ना? यो धोखा ना है, सच्चाई ये है, मारा बुरा बखत चाले है, पर अच्छी बात ये है कि 1 साल में आपकी चांदनी हम सबके साथ खूब घुल मिल गई है और दुर्जन और चांदनी में भी खूब जमे है। रमन भाई साहब, अब मान भी जाओ। अरे सवाल ही नहीं उठता, मैं अपनी छोरी के लिए दूसरा दूल्हा ढूंढूंगा या फिर बिन ब्याह है सारे जीवन घर में बैठा के रखूंगा। लेकिन एक बात तो तय है कि अब मारी छोरी तेरे बहन के घर में नहीं जाएगी। लेकिन भाई साहब, बिरादरी में बात फैल जाएगी। तो ये बात भी तो फैलेगी कि सगाई के वक्त इन्होंने 1.5 लाख का सौदा किया, 1 साल तक बिटिया को बैठा के घर में रखा और अब शादी के वक्त मुकर रहे हैं। ना भाई ना, मैं ये सगाई अभी के अभी तोड़ रहा हूँ। और एक बात और गाड़ खोड़ के सुन लो, मैं अपनी छोरी की शादी इस दुर्जन के साथ तो कभी ना करूंगा। यह तो 6 साल पहले की बात है साहब, चांदनी 1 साल दुर्जन के घर रह के आई फिर सगाई टूट गई। दुर्जन 1 साल साथ रहा चांदनी, दिल दुख गया होगा, लौट आया होगा बदले के। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, ये बात तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? चांदनी और दुर्जन की जोड़ी हमारे दोस्त कमलेश ने बनाया था। कमलेश दुर्जन का मामा है, वो लोग कविपुर मध्य प्रदेश से हैं। दुर्जन अभी कहाँ है? कविपुर में है साहब, उसका ब्याह हो गया है, एक बच्चा भी है। कमलेश से सारी खबर मिलो है साहब। तुम हमसे और कौन कौन सी बातें छिपा रहे हो रमन परमार? चांदनी 2 महीने के पेट से थी और कौन था उसकी जिंदगी? ब्याह का तो मैंने कोई पता नहीं बाबू, बस हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। है कौन वो छोरो? रवि जोशी नाम है उसका,
मुंबई का ही रहने वाला है। अभी बता रहे हो रवि जोशी के बारे में? वो हमसे क्या क्या छुपा रहे हो रमन परमार? हाँ, तुम्हारे घर में जो बच्ची है वो रवि जोशी की है ना? नहीं साहब, मन ने ना पता। मैं उस रवि से एक ही बार मिला था, जब चांदनी से पहली बार मिलने मुंबई आया था। रहता कहाँ है रवि जोशी और करता क्या है? वो तो मैंने ना पता साहब, पर उसका मोबाइल नंबर है हमारे पास। मोबाइल नंबर दो। चांदनी के बारे क्या ऐसी कोई और बात है जो सिर्फ आप जानो और मैं नहीं? ना। वो बच्ची किसकी है? सावित्री, जितना तन ने पता है उतना ही मन ने भी, और कुछ भी ना। सर, रवि जोशी के फोन रिकॉर्ड मिल गए, मलून कर रहे से। फोन नहीं करते, सीधा उठा ले। मूव। दुर्जन सभावक? हाँ बिल्कुल, जानता हूँ दुर्जन को। घर कहाँ पड़ता है इनका? ये गली देख रहे हैं आप? हाँ। इसमें चौथा मकान है उनका। अच्छा, और कौन कौन रहता है साथ में उनके? दुर्जन, दुर्जन की पत्नी शारदा, उसका बेटा रोहित और बूढ़े माँ बाप। अच्छा ठीक है, एक चिप्स दे दीजिए 5 वाला। हाँ। हाँ साहब, ये दुर्जन सभावत ने 6 साल पहले चांदनी से सगाई तोड़ने के बाद शारदा से ब्याह कर लिया। एक छोटा बच्चा भी है 5 साल का, रोहित, और माँ बाप किशोर और वनीता सभावत सब साथ में ही रहते हैं। ये दुर्जन है क्या गांव में? अभी बाहर गया हुआ है काम से। पड़ोसियों से काफ़ी सारी बातचीत की है मैंने, खुश मालूम पड़ता है। आपके काम का नहीं है शायद ना? सर, ये दुर्जन का कोई कनेक्शन लगता नहीं, वो तो खुशी खुशी सेटल है कभी पूरे मध्य प्रदेश में बीवी बच्चे के साथ। अतीत के जाए वर्तमान में अपना असली हाल कहाँ बयां करते हैं भोसले। गुजरे कल के मुखौटे ने अभी हमें सिर्फ एक झलक दी है। पहले हम इस रवि जोशी से निपट लें, धीरे धीरे सारे पत्ते खुलेंगे और हम उन्हें खेलेंगे। नमस्ते साहब। साहब क्या हुआ? तू रवि जोशी है? हाँ साहब, पर हुआ क्या? चांदनी परमार को तूने क्यों मार डाला? कौन चांदनी परमार साहब? चांदनी परमार, प्रियंका का असली नाम। प्रियंका? चल। जति, इसे भी उठा लो। साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब, अभी जिस लड़की को आपने अंदर किया ना साहब, प्रियंका भी वैसे ही थी। टाइम पास। टाइम पास मतलब टाइम पास कर करके जब तू उससे बोर हो गया तो तूने उसे मार डाला, लाश फेंक दी। अब इतना मेंटल भी नहीं हूं मैं। तेरा उसके साथ अफेयर कब से चल रहा था रवि? अफेयर? अरे नहीं नहीं साहब, मैं तो उसके साथ बैठता था, फिर वो अपने को पसंद आने लगी थी। और जब तुझे पता चला कि वो तुझसे प्रेग्नेंट हो गई है तो तेरी पसंद नापसंद में बदल गई। प्रेग्नेंट? साहब क्या बोल रहे हैं आप लोग, मेरे को तो मालूम ही नहीं है कि वो प्रेग्नेंट थी। इतना तो मालूम है ना कि उसका मर्डर हो गया है। पोस्टर देखा शहर में, काफी दुख हुआ। अगर तुझे सच में दुख होता तो तू सबसे पहले पुलिस स्टेशन में आता, कुछ पूछने, कुछ बताने। मैं जानबूझ के सुमड़ी में बैठा था क्योंकि मेरे को मालूम था अगर मैं सामने आया तो सारे थप्पड़ मेरे को ही पड़ेंगे। कोई बिना गलती के तुझे थप्पड़ क्यों मारेगा? हाँ साहब, मैं जानता था वो क्या काम करती थी, काफी लोगों के साथ उठना बैठना था उसका। शुरुआत में वो मेरे को पसंद आई थी, पर इतनी भी नहीं कि मैं उसको लेकर सीरियस हो जाऊं। साहब मैं सामने से बोलता हूं, मैं उससे बोर हो गया था। साहब मैं तो पिछले 4 महीने से उसके साथ एक भी बार नहीं बैठा। झूठ बोल रहा है तू रवि जोशी, वो तेरे से प्रेग्नेंट हो गई थी, तू उससे शादी की मांग करने लगी या फिर बहुत सारे पैसे मांगे होंगे तुझसे, जिससे तू तंग आ गया और तूने मार डाला।
मुझे मेरे 75,000 आज ही चाहिए। साहब, साहब ये सरासर गलत है। मैं तो काफी टाइम से उसका फोन उठाता ही नहीं साहब। ये देखो, मैंने उसका नंबर किस नाम से सेव किया है। सरदर्द। साहब मैं काफी टाइम से उससे पीछा छुड़ाने को ट्राई कर रहा था। मैंने तो 4 महीना पहले से उसका फोन उठाना बंद कर दिया था और 2 महीने से उसने भी मैसेज वगैरह से बंद कर दिया। मेरे को लगा चलो बला टेक। अब प्रियंका की मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हाय शपथ। सेव किया हुआ है वो नंबर प्रियंका का है ही नहीं। साहब ऐसा कैसे हो सकता है साहब? मेरे पास उसका यही नंबर है और इसी पे हमारी कई बार बात हुई है। तभी तो इस नंबर को मैंने वो नाम दिया था ताकि मेरे को फोन कर तो मैं अवॉइड मार सकूं। और आपकी क्या? हाँ सर, ये नंबर, ये सरदर्द वाला जो रवि के हिसाब से चांदनी और प्रियंका का है, वो नंबर दुर्जन सभावत के नाम से रजिस्टर्ड है सर। दुर्जन सभावत, मतलब सगाई टूटने के बाद भी इसका चांदनी के साथ कोई ना कोई रिश्ता जरूर रहा। पर 6 साल पहले टूटी थी सगाई, पर रिश्ता नहीं। सगाई के 1 साल में रिश्ता और मजबूत। दुर्जन सभावत अतीत की परछाई बनकर चांदनी का पीछा करता है जो कभी छूटता नहीं। दुर्जन सभावत का नाम सामने आने से चांदनी परमार और प्रियंका के कत्ल का केस सर के बल उलट गया। दुर्जन चांदनी का 6 साल पुराना अतीत था, एक साया था बीते दिनों का जिसने चांदनी के वर्तमान में अपना चेहरा दिखाया था। लेकिन सगाई टूटने के 6 साल बाद भी इस रिश्ते की ऐसी कौन सी डोर थी जो अभी तक टूटी नहीं थी? दुर्जन और चांदनी एक ऐसी बिरादरी को बिलोंग करते थे जहां वर की फैमिली वधू की फैमिली को दहेज देती है। दुर्जन से सगाई के बाद रिवाज के मुताबिक चांदनी 1 साल तक ससुराल में रही, लेकिन जब दुर्जन के परिवार वाले दहेज की बाकी की रकम अदा नहीं कर पाए तब चांदनी के पिता रमन परमार ने चांदनी और दुर्जन की सगाई तोड़ दी। चांदनी की मौत का रहस्य और गहरा होता जा रहा था और उतनी ही रहस्यमयी होती जा रही थी उस 2 साल की बच्ची की पहचान और मर्डर के वक्त चांदनी की प्रेगनेंसी। चांदनी ने अपने माँ बाप के पास किसका बच्चा रखा था और आखिरकार मरते वक्त वो किसके बच्चे की मां बनने वाली है? इस बेहद दुखद और चौंकाने वाले केस का दूसरा और आखिरी भाग हम आपको दिखाएंगे कल रात 11 बजे। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, हम जो सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद।